हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल बिना दी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो रहा है दोपहर का, दोपहर का नहीं कहेंगे, मतलब हमको लग रहा है कि 3:30 या 4 बजे के करीब का है ये। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्या बोलते हैं उसको, ठेकुआ। तो ठेकुआ मतलब छोटा छोटा वाला नहीं, जो थोड़ा बड़ा बनता है, जो रोट बोलते हैं जिसको, जो भगवान जी को भी चढ़ता है, महावीर जी को, तो वही मैं ठेकुआ बना रही हूँ। जो इधर यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, झारखंड के होंगे, सबको पता होगा। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है रिफाइन। और यहाँ पर मैंने आटा लगा के और इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो आटा लगा के मैंने बस रख दिया था ढक के 1-2 घंटे के लिए। तो और ये फूल जाता है अच्छे से और बनाने में मतलब बहुत ही अच्छा बनता है। बिना बेकिंग सोडा का ये सॉफ्ट हो जाता है और क्रंची, ऊपर से बिल्कुल क्रंची रहता है और अंदर से सॉफ्ट हो जाता है और फूल फूल जाता है। तो आटा लगा के मैंने रख दिया और बनाने के टाइम अब इसको मैं थोड़ा सा मसल ले रही हूँ। और अभी ये गुनगुन आई थी किचन में, तो थोड़ा सा कुछ पता नहीं किस बात पे बहस हो रही है मेरी और उसकी, तो मैं वही उसको बोल रही थी। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ और इसको थोड़ा सा मोटा इसको बनाया जाता है थोड़ा, और बेल के बनाया जाता है। बनाया पूरी से थोड़ा सा छोटा साइज रहता है इसका और थोड़ा मोटा भी रहता है। और डिटेल अगर आपको चाहिए पूरा, तो मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के लिए अलग से उसका वीडियो लेके आऊँगी और बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोग को चाहिए होगा रेसिपी तो बताइएगा कमेंट करके, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, वही मैं यहाँ पे तल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। और मैं आप लोगों के साथ अपना 100% शेयर करूंगी। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं और मम्मी भी कुछ कर रही हैं। गर्मी तो इतना है कि पूछिए मत, गर्मी बहुत तेज वाला गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से ये फूल जाता है, ये जिस तरीके से ये फूल गया है। तो इसको थोड़ा सा मोटा रखना होता है। और बाकी देखिए, यहाँ पे मैंने अभी निकाल लिया है 2 बार का 2-2 करके बना रही हूँ एक बार में। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बेल के भी रख लिया है और बाकी अभी आटा वैसे है, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही बना लूँगी 2-2 करके, तो ये मेरा यहाँ पे पूरा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए आ गया है मॉर्निंग का टाइम। उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं शूट की और अब ये मॉर्निंग का है और बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल, तो उन लोग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है पास्ता। क्योंकि वैसे तो ये सब नहीं ले जाया जाता है, मैगी, पास्ता, चाउमीन, ये सब, लेकिन कभी एक आध बार महीने में ये लोग ले जा सकते हैं। तो वही बहुत दिन हो गया था, तो बाबू बोला कि मम्मी पास्ता ही बना दो, तो मैं बोली कि अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पास्ता रख दिया है, बिस्किट रख दिया साथ में, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैं रख देती हूँ, चाहे बच्चे खाएँ ना खाएँ, मैं एक्स्ट्रा अलग से भी अपना फ्रूट लंच ब्रेक जो होता है उसमें मैं ये सब रख देती हूँ। और अभी ये हो गया है मतलब कि शाम का टाइम। अब सीधे मैंने दोपहर का कुछ नहीं शूट किया और अब ये शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए, बाहर थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं कब से तो यही सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बिल्कुल सिंपल सा खाना, सादा सा खाना बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो
तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी भिंडी का भुजिया और रोटी। तो भिंडी का भुजिया बनाने के लिए पहले सबसे पहले मैं यहाँ भिंडी धो के और रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। और तब ये जब पानी सूख जाता है तो भिंडी बनाने में बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत सूखा सूखा और आराम से अच्छे से बन जाता है। तो भिंडी जब तक सूखेगा तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के रख देती हूँ ताकि हमारा आटा भी आटा लगा के रख दूँगी तो आटा मेरा सॉफ्ट हो जाएगा रोटी बनाने के टाइम, तो रोटी वो बिल्कुल फूला फूला और सॉफ्ट बनता है। तब तक मैं भिंडी काट के छौंक दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरा सारा काम होता है। अगर आप लोग को पूरा मतलब मेरे चैनल पे डिटेल में सब शेयर है कि कैसे क्या मैं करती हूँ, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन सब मैं शेयर की हूँ, पूजा का रूटीन, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे गुनगुन खा रही थी समोसा तो ला के दिखा रही थी, क्योंकि सावन चढ़ा है तब से मैं प्याज लहसुन छोड़ दी हूँ और घर में भी बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। तो बस ये लेके आई थी तो बोल रही थी मम्मी खाओगी, तुमको ललचा रही हूँ। मैं बोली कि नहीं मैं खाऊँगी, वैसे भी मुझे समोसा उतना अच्छा नहीं लगता है, खा लेती हूँ लेकिन मन से एक पसंद होता है वो नहीं होता है। तो बस वही हमारी यहाँ पे थोड़ी सी माँ बेटी का नोक झोंक चल रहा है। तो बस इसी तरीके से हम लोग अपने में माँ बेटी बाबू सब मिल के मस्ती करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिंडी को सिर्फ सिंपल छौंक दिया जीरा और हरी मिर्च से, और इसको मैंने यहाँ पे छौंक दिया है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और कुछ नहीं डालूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।